हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज 2 अंडर ब्रैकेट 7x प्लस 4y इक्वल्स टू एक्स वाई. तो 7 टू जा 14x एंड 4 टू जा 8y इक्वल्स टू एक्स वाई. दोनों तरफ अगर हम एक्स वाई से डिवाइड कर दें तो 14 अपॉन वाई प्लस 8 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए 1 हो जाएगा. ठीक है. और सेकेंड पार्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 2 अंडर ब्रैकेट क्या है 3x एंड प्लस 2y इक्वल्स टू 3xy. तो ये 6x एंड 2 टू जा 4y इक्वल्स टू 3xy. ठीक है. अब दोनों तरफ xy से डिवाइड कर दें तो 6 अपॉन वाई एंड प्लस क्या होगा 4 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए 3 हो जाएगा. ठीक है. अब हमें क्या करना है 1 अपॉन वाई को ये मान लेना है. तो ये 14 है एंड प्लस 8b इक्वल्स टू 1 आ गया. ये 6 है एंड प्लस 4b इक्वल्स टू 3 आ गया. अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे. 8 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मल्टीप्लाई करने के बाद 14a एंड प्लस 8b इक्वल्स टू 1 है एंड 6 टू जा 12a एंड 4 टू जा 8b इक्वल्स टू 6 है. राइट. तो यहाँ पे माइनस 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 ये दोनों पार्ट कट जाएगा. 14 से 12 जाएगा तो 2a एंड 1 और से 6 गया आपके पास. ठीक है. 1 माइनस क्या है 3 टू जा 6 है ना. तो ये माइनस 6 हो गया. ठीक है. हाँ तो माइनस 12 है उसके बाद 8b एंड 13 जाएगा. बस साइन चेक कर लेते हैं हम लोग कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है ना. ठीक है. क्योंकि 1 आ गया और नीचे 3 टू जा 6 आ गया. चलिए तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस 6 दिस विल बी माइनस 5 आएगा. तो ए का वैल्यू माइनस 5 बाई 2 आ गया. तो ए को आपने क्या माना था 1 बाई वाई. तो 1 बाई वाई इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 2 आ गया. तो वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस 2 बाई 5 के इक्वल आ जाएगा. अब इस ए की वैल्यू को हम कहीं भी पुट कर दें. ठीक है. फर्स्ट में पुट कर दीजिए या सेकेंड में पुट कर दीजिए. तो फर्स्ट में अगर आप पुट करते हैं सेकेंड में पुट कर दीजिए ज़्यादा आसान है आपके लिए. यहाँ पे 6 है एंड प्लस 4b इक्वल्स टू 3 था. ठीक है. ये हमारे पास क्या है ए का वैल्यू माइनस 5 बाई 2 है. तो 6 और ए माइनस 5 बाई 2 एंड प्लस 4b इक्वल्स टू 3 हो गया. ए 2 से कट गया तो माइनस 15 माइनस 15 प्लस 4b इक्वल्स टू 3 हो गया. तो 4b जो होगा ये 18 हो गया और b जो हो गया 18 बाई 4 हो गया. दैट मीन्स कि 9 बाई 2 हो गया. नहीं तो b को हमने क्या माना था 1 बाई एक्स माना था. 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 9 बाई 2. तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 2 बाई 9 हो गया. तो x का वैल्यू एंड y का वैल्यू दोनों हमने फाइंड कर लिया.